आज के इस वाले वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा हेल्थ एंड केयर प्रोफेशनल काउंसिल क्या है और इसकी क्या फंक्शन है। एज ए इंटरनेशनल रेडियोग्राफर हम इसको कैसे रजिस्टर कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और क्या रिसेंट अपडेट्स आया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले आपको जानना जरूरी ये बात जानने की ज़रूरी है कि ACPC होता क्या है। ACPC एक काउंसिल है जो UK में रेडियोग्राफर के साथ साथ ऐसा 15 पैरामेडिकल प्रोफेशंस को रेगुलेट करती है और इसके अंदर रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, चाहे आप इंटरनेशनली क्वालिफाइड हो चाहे आप UK में पढ़ाई करते हो। सो आपको ये वेबसाइट खोलने के बाद यहाँ पे जाना है इंटरनेशनल एप्लीकेशन पे। यहाँ पे देख सकते हो पहले नोटिस तो ये हो रखा है, अभी वी आर करंटली एक्सपीरियंसिंग ए हाई वेरी हाई वॉल्यूम ऑफ इंटरनेशनल एप्लीकेशन। सो इसमें आपको क्या करना है मैं देखता हूँ, क्या व्हाट एक्सपेक्ट व्हेन यू मेक एन इंटरनेशनल एप्लीकेशन। खोल क्यों नहीं रहा ये। सो यहाँ पे उन्होंने बोला है वी आर करंटली हैविंग वेरी हाई वॉल्यूम ऑफ इंटरनेशनल एप्लीकेशन, करंट प्रोसेसिंग टाइम जो है बहुत लोगों का एप्लीकेशन डिले हो रहा है जो लोगों ने अभी अप्लाई किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो उन्होंने एक्सप्लेन किया है भाई क्यों करंट एप्लीकेशन डिले हो रहा है। इन लास्ट 12 मंथ्स द नंबर ऑफ एप्लीकेशन हैज़ इंक्रीज बाई ओवर 60%। दिस मीन्स वी आर करंटली नॉट मीटिंग आवर नेक्स्ट नॉर्मल प्रोसेसिंग टाइम एंड दैट विल वेट लॉन्गर देन यूजुअल टू हियर फ्रॉम अस। While we work on resuming normal processing time, we thank you for your patience and understanding. Please be assured that we have received your application and document and that we are working hard to progress all application quickly as possible. You can find information processing times in the specific parts of the application process below stages. So यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले आपके application को review करते हैं, फिर plagiarism check होता है, उसके बाद assessing your education training and experience, if you need further information outcome of the application verify your information। ये तीन चार प्रोसेस होता है जब ये लोग आपको एप्लीकेशन को रजिस्टर करते हैं। ठीक है, तो अभी थोड़ा डिले चल रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन आया, ये पागल हो गया ACPC की जो एडमिन टीम है जो लोग इसमें काम करते हैं। आपको आपकी जो एडुकेशन की डिग्री है, जहाँ पे आपने पढ़ाई करी है, जहाँ पे आपने रेडियोग्राफी करी है, सारी डिग्री, सारे एक्सपीरियंस लेटर, आपकी पासपोर्ट, आपकी एड्रेस प्रूफ, आपके आईडी प्रूफ, ये सारे चीज़ें आपको सबमिट करना है। जब भी ये आपको रजिस्ट्रेशन देंगे उसके साथ साथ दो और चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। एक होगा कोर्स इन्फॉर्मेशन सर्टिफिकेट जो आपको कॉलेज से लेनी है और एक होगा मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट और है IELTS इंग्लिश टेस्ट। तो इंग्लिश टेस्ट अभी भी इन्होंने मैंडेटरी नहीं किया है पर अभी हो जाएगा ऐसा लग रहा है। इनकी जो डिसीजन मेकिंग टीम है, मैंने काफ़ी सारे इंटरनल इनकी आर्टिकल पढ़ा है जो अगले साल से शायद ये लोग मैंडेटरी कर देंगे। तो ये राइट टाइम है अगर आप रजिस्टर करना चाहते हो तो, बहुत ही आसानी से विदाउट IELTS और इंग्लिश टेस्ट के बिना आप रजिस्टर कर सकते हो। तो यहाँ पे आप पॉज करके पढ़ लेना, क्या सारा चीज़ें यहाँ पे दे रखा है, क्या क्या नेशनलिटी से रजिस्टर कर सकते हो, कहाँ से होगा रजिस्ट्रेशन, ये सारा चीज़ें इधर है, आपको अच्छे से एक बार पढ़ लेना है। ये वेबसाइट में अगर आप गो थ्रू करोगे एक बार तो सारा चीज़ आपको सिंपल भाषा में इन्होंने इंग्लिश में लिख रखी है, आपको समझ आ जाएगा। देखो इधर क्या बोला है इन्होंने, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड एड्रेस, पासपोर्ट और आपकी आईडी कार्ड लगा देना इसमें, कोर्स इन्फॉर्मेशन सर्टिफिकेट ये आपको फिल करके आपको देना होगा, सर्टिफिकेट ऑफ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी विल एप्लीकेशन थ्रू द इंटरनेशनल रोड टू कंफर्म देयर प्रोफिशिएंसी विद लैंग्वेज, इसमें बाद में आता हूँ, सर्टिफाइंग योर डॉक्यूमेंट, आपके डॉक्यूमेंट सारे नोटराइज्ड करने पड़ेंगे, एंश्योर योर डॉक्यूमेंट्स आर मशीन रीडेबल, मतलब PDF फॉर्मेट में होनी चाहिए और हाथ में लिखी हुई नहीं होनी चाहिए, प्रोवाइडिंग ट्रांसलेशन, अगर आपकी सर्टिफिकेट इंग्लिश में नहीं है तो आपको ट्रांसलेशन सर्विस यूज़ करके इंग्लिश में करनी पड़ेगी, डिक्लेरेशन को एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। ये बहुत इजी होता है कि ये सारे इन्फॉर्मेशन करेक्ट है बोल के। ठीक है, तो इसमें देखते हैं सर्टिफिकेट इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में इन्होंने कुछ नया ऐड तो नहीं कराया, अभी मैं रिसेंटली चेक किया है अभी तक इन्होंने कुछ मैंडेटरी अभी तक करा नहीं है, अप्लाई थ्रू इंटरनेशनल रोड। ठीक है, यहाँ पे आप पढ़ लेना पहले जैसा ही है, अभी तक रिसेंटली कुछ इन्होंने अपडेट नहीं किया है। ठीक है, अगर आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है तो आप इजीली विदाउट IELTS कर सकते हो मेरे हिसाब से। तो बाकी अगर कोई चेंजेस होता है जब एप्लीकेशन डालोगे तभी पता लग जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आप एक बार पढ़ लेना यहाँ पे वेबसाइट में, तो गूगल में सर्च करते ही आपको आ जाएगा वेबसाइट की लिंक, ACPC रजिस्ट्रेशन इंटरनेशनल कैंडिडेट एज ए इंटरनेशनल कैंडिडेट, तो ये वाला ऑप्शन खुल जाएंगे, वहाँ पे जाके आप सारा चीज़ें पढ़ सकते हो। तो
घबराने की कोई टेंशन नहीं है, थोड़ा सा डिले चल रहा है इनकी तरफ से बिकॉज़ एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा आया है, और जो लोग को और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए आप मेरे को पर्सनली इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मैं आप लोगों को पर्सनल हेल्प के लिए रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बने रहिए हमारे साथ।